दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बीते साल अप्रैल माह में सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में 10 हाईटेक जापानी मशीन सहित 50 मशीनें लगाने का दावा किया था, ताकि दिल्ली में सैनिटाइजेशन अभियान को और तेज किया जा सके और कोरोना संक्रमण को काबू किया जा सके। लेकिन कोरोना संक्रमण के बेकाबू हालात के बीच भी ये मशीनें कहीं सैनिटाइज करती नजर नहीं आ रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर व पटपड़गंज वार्ड के निगम पार्षद विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए क्षेत्र में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कर क्षेत्र को सैनिटाइज करा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार और उसके विधायक सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार सैनिटाइजेशन के लिए जो हाईटेक जापानी मशीन लाई थी उसका क्या हुआ? वो मशीन कहाँ जंग खा रही है? क्या वो मशीनें सिर्फ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और विधायकों के फोटो सेशन के लिए लाई गई थी? इस मशीन पर खर्च किए गए पैसे का हिसाब कौन देगा? दिल्ली सरकार जनता के पसीने की कमाई को सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार पर खर्च करने में लगी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम निरंतर क्षेत्र में काम कर रही है। कीटनाशक दवा का छिड़काव हो, क्षेत्र में सैनिटाइजर कराना हो, हमारे सभी निगम पार्षद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के जितने विधायक हैं, आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, सब नदारद हैं। पिछले साल हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जापानी हाईटेक मशीन ला करके फोटो सेशन कराए थे। वो हाईटेक मशीन, मैं पूछना चाहता हूँ, हाईटेक मशीन कहाँ गया? आज हाईटेक मशीन जो सैनिटाइजर करने के लिए, फोटो सेशन करने के लिए दिखाया गया था, वो हाईटेक मशीन में कहाँ जंग लग रही है? और हाईटेक मशीन आया था तो मैं पूछना चाहता हूँ पूर्वी दिल्ली की जनता की तरफ से, वो हाईटेक मशीन पर कितना खर्च हुआ था और वो खर्च कहाँ गया? वो पैसा कहाँ घोटाला हुआ? कहाँ मशीन गया?